बागेश्वर में मौसम विभाग की चेतावनी जारी हुई है। जिले में 28 जून से 2 जुलाई तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद जिला आपदा कंट्रोल रूम तहसीलों में आपदा सेंटर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि जिले में 4 से 5 दिन भारी तेज बरसात की चेतावनी देहरादून मौसम विभाग के द्वारा दी गई है, जिसके चलते जिला आपदा कंट्रोल रूम तहसीलों में SDRF टीम आपदा सेंटर्स को एहतियात के तौर पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बारे में जो IMDC हमारे पास जो अलर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है अभी 2 तारीख तक का कुमाऊं में विशेषकर भारी से भारी बारिश की संभावना हमने व्यक्त की गई है, जिसके तहत हमने सभी तहसील और थानों को जो है अलर्ट कर रखा है। जो हमारा सरयू और जो गोमती जो मेन रिवर है, उसमें सरयू का 866 मीटर है और गोमती जो है 862.45 मीटर उसका जल स्तर है, और जो डेंजर लेवल है वो 870.70 मीटर है। सरयू गोमती का जल स्तर भी बढ़ा है। कपकोट पिंडारी मार्ग भारी बारिश के चलते बंद हो गया है, जिसका रूट डायवर्जन कपकोट बाया रीठा गढ़ी से किया गया है। रोडों का आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारा एक आज कपकोट पिंडारी जो वोटर मार्ग है वो हमारा बंद है, जिसका हमें अल्टरनेट रूट जो है उसका कर्मी रीठा पकड़ वो हमारा थ्रू है, वो खुला हुआ है। अगर कहीं पे भी अगर कोई किन्हीं को भी जाना है तो वहाँ से उस रास्ते को वो फॉलो कर सकते। वहीं आपदा सीजन आने को है, मगर जल पुलिस की सतर्कता जिला मुख्यालय में कहीं नहीं देखी गई। सरयू गोमती संगम में एक जानवर घंटों तक भटकता रहा, लेकिन जल पुलिस का कोई भी जवान उसे बाहर निकालने नहीं पहुंचा। जब इस बाबत अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल पुलिस के जवानों की ड्यूटी के लिए पुलिस विभाग को लेटर भेजा गया है, जल्द ही जवानों की व्यवस्था भी की जाएगी। इसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से पुलिस महोदय अधीक्षक को लेटर जारी किया गया, जिसमें उनको जो जल पुलिस है उनको तैनात करने के लिए कि उनकी ड्यूटी जो है 8-8 घंटे की लगा के वो अपनी ड्यूटी में तैनात रहें, और जो आसपास के जो लोग हैं उनको सतर्क रहने और अवेयर रहने के। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।